गए, बाकी हम लोग रह गए यहाँ पर। और यही भावना राजस्थान में जो मजदूर बाहर के हैं उनके दिलों के अंदर भी है। दूसरा जो कल्चर, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने कहा है कि तो सरकारी जो अधिकारी जिलों में और यहाँ पर सचिवालय में जयपुर के अंदर, ये हमने व्यवस्था करी है कि वो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरी तक के लोग आए और उनका पर्सनल स्टाफ आए। और 1/3 जो कर्मचारी आने की पहले बात हम सोच रहे थे, 1/3 1/3 बुलाएंगे, उनको भी रोक दिया गया क्योंकि एक साथ में खोना उचित नहीं था। ये हमने कहा है कि हम उनके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी स्तर के लोग, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के लोग आएंगे। 2 सप्ताह बाकी, अभी 3 तारीख आने वाले, इसलिए हम चाहेंगे कि फेज वाइज सब फैसले करें। इसी प्रकार जो छूट दी गई थी, नगर पालिका के बाहर जो है उद्योग काम शुरू कर सकते हैं, वही व्यवस्था कायम रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माण के काम हो, चाहे माइनिंग के काम हो, इंडस्ट्री हो, सब चालू होंगे। और शहरों के अंदर खाली वही इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा जो अपने मजदूरों को प्रीमाइसेस के अंदर रखने के लिए तैयार होंगे या पहले से उनकी व्यवस्था की हुई है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं। जो पास बने हुए हैं कर्फ्यू को देखते हुए, वो पास जो है पहले बने, वही पास कायम रखने का फैसला किया है कि 3 मई तक नए पास नहीं बनेंगे, जो पुराने पास है वही रिवाइव होंगे, वही काम करेंगे, वही एलिजिबल होंगे। अब जो नया पास बनाएंगे उनके लिए ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था की गई है। अब जो नए पास बनेंगे वो बनेंगे ई पास, बनेंगे कंप्यूटर से, बनेंगे घर बैठे हुए बनेंगे नए पास। पुराने पास जिनके पास है उनको नए पास बनाने की जरूरत नहीं, नया ई पास बनाने की जरूरत नहीं उनको, ये तय किया गया है। बाकी 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन निकाली है होम मिनिस्ट्री ने, मैं समझता हूँ कि उससे सब बातें सतही क्लियर हो गई। कि लॉकडाउन, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन को उसको कोई लूज किया गया है। लॉकडाउन जो आज है या कल था, वो लॉकडाउन कल से रहेगा, आगे 3 तारीख तक रहेगा। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इस भ्रम के आधार पर वो इधर उधर फिरने लग गए तो उनको तकलीफ आ जाएगी, केस दर्ज हो जाएंगे, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन आज है, वही कल है, 3 तारीख तक वही रहेगा, एक्सेप्ट जो एक्टिविटी छूट दी गई है उसको छोड़ करके। ये मैं चाहूंगा आप सबसे, आप सारा इसको जनता में इसको एक स्पष्ट करें। उस चक्कर में ऐसा नहीं कल सुबह से लोग बाहर निकलने लग जाए। और धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके अत्यंत महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आप सभी का, मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं मैं। आज जो हमारे साथ में मीडिया बंधु हैं उनमें रोहित परियार जी इंडिया टुडे से, अनिल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सचिन सैनी हिंदुस्तान टाइम्स से, राजीव जैन जी जनसत्ता से, श्री नरेश शर्मा जी फर्स्ट इंडिया न्यूज से, नवीन जायसवाल न्यूज 18 राजस्थान से, श्री हमजा खान इंडियन एक्सप्रेस से, विशाल सूर्यकांत शर्मा पत्रिका टीवी से, विनोद मित्तल दैनिक भास्कर से, समीर शर्मा राजस्थान पत्रिका से और श्रुति जैन द वायर से। मैं पहले प्रश्न के लिए अनुरोध करूंगा श्री रोहित परियार जी इंडिया टुडे से। ये जो काफी डिप्रेसिव सा माहौल चल रहा है उसमें एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज शुरू होने वाली है, जो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों का प्रोक्योरमेंट शुरू हो रहा है और वो मंडियों में आएंगे काफी, और 15 तारीख से कुछ आपने शुरू भी कर दिया है, कोटा में शुरू भी हो गया है, तो
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने उनकी सुरक्षा के किस तरह के स्टेप्स किए हैं कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, क्या उतने ही मंडी हैं जितनी पहले थी या आपने उनका नंबर प्रोक्योरमेंट का बढ़ाया किसी तरह से, और तीसरा ये है कि किसानों के लिए आपने क्या कुछ खास स्टेप्स अनाउंस किए हैं कि उनको ठीक से सब ये फैसिलिटेट हो, और उनकी जो लेबर है वो किस तरह से डील करेंगे आप इसको? देखिए, जो सरकारी स्तर मंडी चल रही थी, अघोर मंडी हैं करीब 400, और जो GSS और KVSS इनको भी घोर मंडियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, मतलब अधिकृत किया गया है, जिससे कि वो भी खरीदारी कर सके, तो 900 ही हो जाते हैं। फिर लगभग 1500 लोगों को हमने लाइसेंस दिए हैं सीधी खरीद करने के, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये सबको मालूम है कि जब एक साथ अगर सब किसान आएंगे बेचने के लिए या खरीदारी होगी तो भीड़ इकट्ठी होगी, तो पहले से जब ये फैसले किए गए उसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया कि पटवार सर्कल वाइज सेलेक्टेड जिला प्रशासन की देख रेख के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो, एक साथ में सब लोगों ने आए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मैं फिर कहना चाहूँगा, चाहे मंडियों की एक्टिविटी हो, चाहे कल 20 तारीख से मॉडिफाइड लॉकडाउन आ रहा हो, तब भी जो शर्तें हैं उन एरिया में जहाँ पर छूट मिल रही है वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क लगाने की उस पर छूट नहीं होगी, ये मेंटेन वहाँ उनको भी करना पड़ेगा जहाँ पर जब मंडियों का काम हो, और चाहे वो अन्य एक्टिविटी हो रही हो, माइनिंग की हो या रियल इस्टेट की हो या और कोई व्यापार की हो, इंडस्ट्री की हो, सब में ये व्यवस्था की गई वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें, ये थोड़ा दिमाग में रखें सब लोग के, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो नेफेड और FCI के द्वारा जो गेहूं की खरीद, चने की, सरसों की खरीद, ये तमाम खरीद के प्लानिंग बहुत ही अच्छे ढंग से बना ली गई है, और बारदाना जो जूट मिलें बंद पड़ी थी कलकत्ता के अंदर, तो बारदाना की बड़ी प्रॉब्लम रही है, और भारत सरकार ने छूट दे दी है पुराने बारदाने को काम लेने की, जो पहले छूट नहीं थी। गेहूँ के लिए बारदाना की कमी नहीं है, FCI के पास में भी है, तिलम संघ के पास में भी है, इस रूप में पूरी व्यवस्था की गई है, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में तमाम केंद्रों पर MSP के द्वारा भी और सीधी खरीद आराम से हो पाएगी। धन्यवाद सर, मैनी थैंक्स। थैंक यू रोहित जी अन्नदाताओं के लिए प्रश्न उठाने के लिए। अभी मैं पुकारूंगा अनिल शर्मा जी अपने प्रश्न के साथ, कृपया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली इंडिया की और राजस्थान की इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ा है, तो अपन क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर में अब बहुत बड़ी कटौती देखने वाले आने वाले दिनों में? तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपन कटौती देखेंगे तो मतलब एसेट्स बिल्डअप नहीं होंगे सर, तो क्या अपन ऐसा कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने वाले हैं? देखिए, वित्तीय प्रबंधन एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है, केंद्र का भी, राज्यों का भी, सभी राज्यों का भी। लॉकडाउन के पहले स्थिति थी, पर लॉकडाउन और कोरोना ने और ज्यादा स्थिति को गंभीर बना दिया है। अभी करीब 60-70% कमी आई है इसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर, मार्च के अंतिम सप्ताह में ही करीब 3500 करोड़ रुपए की कमी आई थी एक सप्ताह के अंदर। और आर्थिक मंदी के कारण आप समझ लीजिए राज्य में आर्थिक जो राजस्व में मिलना था उसमें 18,000 करोड़ रुपए की कमी आई है पूरे साल की है, वो तो उसमें 3500 की कमी लॉकडाउन के कारण है। बाकी जो हम लोग अभी एग्जामिन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खर्चे कम हो सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे।
राज्यों को विशेष पैकेज मिलना चाहिए भारत सरकार से, उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं सब राज्य सरकारें। और हमारी ये भी सोच है कि खर्चे हेल्थ सेक्टर में कम नहीं करें, क्योंकि कोरोना जो एक बार आया है तो ये किस रूप में चलेगा और कहाँ तक चलेगा, ये तमाम बातें फ्यूचर की है। पर हमारा ध्येय और हमारा फर्ज बनता है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे वक्त में किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे वो आईसीयू बेड बढ़ाने की बात हो, एक उपकरण खरीदने की बात हो, उस पर वेंटिलेटर भी आते हैं, लेबोरेटरीज हर जिले में बनाने की बात हो, ये काम भी साथ साथ में चलने लग गए हैं। हम चाहेंगे कि हेल्थ स्ट्रक्चर राजस्थान के बहुत मजबूत बने, ये हमारा ध्येय है और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कटौती की बात है, वक्त बताएगा कि किस रूप में हम बजट जो बनाया है उसमें जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज के या जो महत्वपूर्ण विभाग है उनमें कटौती हो नहीं सकती, पर पूरे बजट में किस प्रकार से कटौती करेंगे ये फैसला अभी होना बाकी है। जब फैसला होगा तो वो आपको बता देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी। मैं हिंदुस्तान टाइम्स से सचिन सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कोरोना से अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज का हर वर्ग अवसाद, चिंता और भय से पीड़ित है। राज्य ने कई पहल की है जो देश दुनिया में सराही गई है। क्या उसी तरह से इस मनोवैज्ञानिक त्रासदी से निजात के लिए सरकार कोई पहल करने का विचार रखती है? ये बात आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में मैंने ये बात खुद ने बताई है कि किस प्रकार से ये अवसाद समझ लीजिए डिस्टर्बेंस समझ लीजिए, इस प्रकार से मानसिक रूप से एक भावना आ गई लोगों के दिल के अंदर, एक बार हमें अपने गांव जाना है। वो चाहे वो किसी राज्य का मजदूर हो, चाहे वो राजस्थान के बारे में मैंने कहा आपको कि वहाँ हमारे हजारों लाखों लोग आज दक्षिण के अंदर छोटी छोटी दुकान चला रहे हैं, दुकानों के ऊपर नौकरी भी कर रहे हैं, छोटे बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो मजदूरों के अलावा भी राजस्थानी भरे पड़े हैं पूरे देश के अंदर, उनकी चिंता बहुत भयंकर हम लोगों को है। इसलिए हमने कहा कि एक बार भारत सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए और जिससे कि एक बार सब अपने घरों में जाएं और उसके बाद में जब लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा तो वापस वो खुद ही स्वतः ही चाहेंगे कि हम जाएं अपना काम धंधा शुरू करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी कॉन्फिडेंस उनका बहुत डिस्टर्ब हो गया है, ऐसे ही खबरें आ रही है हमारे पास में, इसीलिए हमने प्रयास किया था कि उन तक बात पहुँचाएँ अधिकारियों से संपर्क करने की, पर उनकी सबकी मांग है और तो सब ठीक कर लेंगे हम लोग, खाने पीने का जो भी है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं अच्छा है, कहीं अच्छा नहीं है, मान लीजिए लोकल फूड नहीं मिलता होगा, व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग, हमारे अधिकारी लोग लगे हुए हैं वहाँ के सरकारों के अधिकारियों के साथ बात करने के लिए, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं। ज़्यादा दिक्कत है अधिकारी की मांगे, हमें तो आप बुलाओ राजस्थान के हमारे गाँव तक भिजवाओ, ये व्यवस्था करो, और ये व्यवस्था बिना भारत सरकार के अनुमति के संभव नहीं है, कई राज्यों से होकर आना पड़ेगा उनको, तो ये स्थिति बनी हुई है। उस पर हम लोग चिंतित हैं। राजस्थान सरकार की टॉप प्रायोरिटी यही है राजस्थान के लोग कैसे आराम से यहाँ पहुँच जाएँ, अपने गांव से पहुँच जाएँ। राजस्थान की दूसरी प्रायोरिटी ये भी है कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं, बाकी मेंटेनेंस आप देखिए जो करवा रहे हैं हम लोग जो भी संभव है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। धन्यवाद सचिन जी। और राजीव जैन जी जनसत्ता से, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर के समक्ष अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो मेरा सवाल था उसमें काफी कुछ आपने स्पष्ट कर दिया मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर जो छूट के संदर्भ में था, फिर भी जो नगरपालिका क्षेत्रों में छोटे कस्बों में एक भ्रम की स्थिति, जो छोटे दुकानदार हैं, किराना व्यापारी हैं, सब्जी वाले हैं, जिस तरीके के लोग हैं,
उनको किस तरीके की छूट मिलेगी? क्या उनके लिए ई पास या उनके कोई दस्तावेज ही सबूत मान लिए जाएं कि भाई वो अपने जरूरी काम से जा रहे हैं आ रहे हैं? ये जिला प्रशासन के माध्यम से जो 15 तारीख को जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग टू ये लोग जो काम करने वाले गांव में लोग हैं इनको तकलीफ नहीं आए, इस दिशा में हम लोगों ने बात कर रखी है। क्योंकि गांव में जब छूट मिली है तो गांव में भी फिर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वहां पे दुकानों पे भी आप देखा होगा कई राज्यों में दुकानें डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। हम भी चाहेंगे दुकानदार खुद भी मास्क लगाए, डिस्टेंस मेंटेन करे। हम चाहेंगे ये जो प्रोटोकॉल है लॉकडाउन का इसको मेंटेन करवाना जरूरी है, और उसके अंतर्गत मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए हैं, जो इतने दिन से घरों में बंद हैं वो समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। राजीव जी शुक्रिया आपको। मैं अब नरेश शर्मा जी से अनुरोध करूँगा, कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे आपने अभी खुद कहा कि कोरोना की लड़ाई अभी कितनी लंबी होगी ये देखना होगा, और साथ में आपने ये भी कहा है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत करने पे आपका जोर रहेगा, लेकिन अभी हम देखें तो जो जयपुर का SMS अस्पताल है वो ही COVID-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, लेकिन राजस्थान में मरीजों की संख्या देखें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, और इस अस्पताल से अगर आगे की बात करें तो इतनी व्यवस्था होनी मुश्किल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग है कि कोरोना के जो डेडिकेटेड अस्पताल है उनके बारे में क्या प्लानिंग होगी, क्या इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और कहीं इस तरह की प्लानिंग है? ये प्लानिंग क्यों? ये तो ऐसा है कि पहले से ही करीब 92 अस्पताल जो पॉजिटिव मरीज है कोरोना के उनके लिए चिन्हित कर दिए गए हैं, और जयपुर में 6 अस्पताल है, खाली SMS का नहीं है। जयपुर में भी आप देखिए कि SMS के अलावा RUHS जो यूनिवर्सिटी है, MGH जो हॉस्पिटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है, जयपुरिया है, ESI है और नीम्स है। 6 अस्पताल जयपुर में कर रखे हैं, और जयपुर के अलावा भी पूरे राज्य में जो है चिन्हित किए हुए अस्पताल हैं, और उसी ढंग से वहाँ काम चल रहा है। 53 अस्पताल जो है कोरोना के इलाज के लिए वो अलग ही चिन्हित किए हैं, और 4300 आइसोलेशन के बेड जो है जयपुर में विशेष रूप से बनाए गए हैं, और 21,000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है जयपुर के अंदर, तो कोई कमी कहीं नहीं रख रहे हैं। ये 1,00,000 जो बेड हमने पहले डिक्लेयर किए थे उसके अलावा है ये, इसलिए जिस प्रकार मरीज बढ़ते हैं उसी ढंग से रहेंगे, और बिना लक्षण वाले जो पेशेंट है उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, और जो लक्षण वाले पेशेंट उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब अनुरोध करूंगा श्री नवीन जायसवाल जी से News 18 राजस्थान से अपना प्रश्न रखे कृपया। सर, दिल्ली में घटना हुई थी, एक ऑनलाइन फूड कंपनी के डिलीवरी बॉय पॉजिटिव पाया गया था, तो 72 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। हमारे यहाँ शहर में, प्रदेश में सभी जगह गली मोहल्ले में जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं, कई मजदूर हैं जो बेकार हो गए आजकल, सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, एक तो उनके लिए अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो कैसे जाँच होगी, और उसके बाद उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग कैसे हो सकेगी? देखिए, ये दिल्ली की घटना सबको मालूम है और काफ़ी पहचान उसका हुआ था, और राजस्थान के अंदर भी हम लोग सतर्क हैं, वैसे राजस्थान पूरे सतर्क है आप लोगों के सहयोग से जो हमने कह रखा है, और ICMR ने गाइडलाइन दे रखी इसी प्रकार की जो आपने कहा कि रैपिड टेस्ट हम उन लोगों को करवाएंगे जो लोग जिसका जो कैटेगरी आपने बताई है सुपर स्प्रेडर, जिसमें ज़्यादातर डिलीवरी बॉय, दूध वाले, सब्जी वाले, किराना की दुकान वाले आदि शामिल है, इनका रैपिड टेस्ट भी करवाएंगे, और ये व्यवस्था करेंगे जिससे कि ये स्थिति पैदा नहीं हो कि किसी को दिल्ली की तरह घटना सामने आए, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों, चाहे कोई किसी तरह के लोग हों जो रोजमर्रा के काम पड़ते हैं, एसेंशियल गुड्स के काम पड़ते हैं,
उन सबके लिए रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है और हम लोग टारगेट बना के चलेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम पैदा नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट इन लाइन इज मिस्टर हमजा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, प्लीज पुश फॉरवर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल रैपिड टेस्टिंग किट से ही है कि चाइना से जो ये किट आए हैं तो अभी तक कितने आ चुके हैं? टोटल जो 2 लाख का लक्ष्य था उसमें से कितने आ चुके हैं और इनकी प्रत्येक किट की लागत कितनी है? और इसी में ये था कि इनका, जैसे आपने बताया कि जो ये सब्जी वाले हैं, फेरी वाले हैं, इनको भी इसमें इसके दायरे में लिया जाएगा। इसके अलावा इनका अलॉटमेंट या इनका इस्तेमाल जो किट का है, इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? और इससे दूसरा सवाल था कि जैसे कुछ देशों में, जैसे कि साउथ कोरिया में, इन्हीं किन्हीं मामलों में वायरस का रिएक्टिवेशन देखने को मिला है कि किसी को डिक्लेयर कर दिया है कोरोना वायरस फ्री, लेकिन उसमें कुछ सप्ताह बाद जो है दोबारा से उसमें वायरस आया है। मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का यहाँ पे कुछ डायरेक्शन देने का कुछ है इस तरह का इरादा? देखिए, अभी तक आपने ठीक कहा कि वायरस पुनः सक्रिय हुआ, ऐसा कोई प्रकरण राजस्थान में भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं हुआ आगे भविष्य के अंदर भी। कुछ देशों से ऐसी खबरें आती रहती है, हम लोग ध्यान रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे वो लक्षण दिखाई दे तो प्रायोरिटी वैसे केस को देखें जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा नहीं हो। और बाकी जो आपने कहा किट्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई मामले आए नहीं अभी, और जब कभी कोई ऐसी बात होती है तो मैं समझता हूँ लोग खुद इतने जागरूक हो गए आजकल तो कि वो खुद आगे बता देते हैं कि सिम्टम्स हैं। इतना प्रचार प्रसार आपने भी किया है, सरकार ने भी किया, मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए अब, और ऐसा कोई उदाहरण आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जब फैला था वुहान के अंदर तब लोग समझ नहीं पाए थे और अब तो पूरा विश्व समझ गया है। और मैं समझता हूँ कि उसी ढंग से कोई बात आएगी तो हम पहले तेले ध्यान रखेंगे। वैसे मैं बताऊँ इसको कीमत आपने पूछी, कीमत तो अभी करीब सब टैक्स पैक्स मिलाकर के करीब 600 रुपये पड़ती है इसकी रैपिड टेस्ट वाले की, और अब ज़्यादा और कम होती जा रही है। पहले आप जब लेते हो कोई खरीदते हैं तो आप जानते हो मार्केट में अभी कंपटीशन चल रहा है, अब उम्मीद करते हैं कि 610 रुपये के आस पास कीमत आई थी और कम हो जाएगी। और जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहाँ पे पूरी तरह हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार हॉटस्पॉट पे एरिया में कंटेनमेंट जोन बना रखा है, कोरोना पॉजिटिव से कॉन्टेंट जो हिस्ट्री वाले लोग हैं, जो पहले ड्रिल बनी हुई है तो कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो पूरी उसकी हिस्ट्री ली जाती है, कहाँ वहाँ वो गए, किस से मिले, तो बाकायदा वो ड्रिल पूरी की जाती है और ड्रिल को मेनटेन सरकार कर रही है। तभी राजस्थान में काफ़ी हद तक हमने देखा है कि मरीज आए हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ही उनका टेस्ट हो गए हैं। आज जो अधिकांश मरीज आप भर्ती हैं तो आप सोच लीजिएगा कि वेंटिलेटर किसी के नहीं लगा है, वेंटिलेटर नहीं लगना बड़ी बात है, और 3 मरीज आईसीयू में खाली है, 964 मरीज राजस्थान के अंदर सामान्य वार्डों के अंदर है। इसीलिए सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार ने जो जागरूकता दिखाई उसके कारण से समय रहते हुए सबके टेस्ट भी हो रहे हैं, समय रहते हुए उनके लिए व्यवस्था हो रही, इलाज हो रहा है, संभव आइसोलेशन में रखा जाता है, सब कुछ किया गया। इसलिए आदि किए कि 3 लोग सिर्फ आईसीयू में, 3 लोग, और तो और हमने करीब 4,000 जो है जो टेस्ट हुए उनको हमने बाहर भेजा, दिल्ली भेजा है जल्दी उसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए। ये मेरे ख्याल से देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने ये कदम उठाया कि हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं रहे कोई, क्योंकि कैपेसिटी बहुत बढ़ाई हम लोगों ने। उसके बावजूद भी आप देखते हो कि जो बड़ी संख्या में टेस्ट करने का जो हमने तय किया है, इसीलिए आज देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट कहीं हो रहे राजस्थान में हो रहे हैं, महाराष्ट्र भी अब तो पीछे छूट गया है। तो आप सोच सकते हो कि जो इतना बढ़ाया है तो वो कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद भी इतने टेस्ट हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि वो समय पर रिजल्ट नहीं आ सकता उनका। तो 4,000 सैंपल हमने भेजे हैं, आज सुबह दिल्ली भेजे हैं, कल शाम दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी। हम चाहेंगे कि
पेंडेमिक कुछ नहीं रहे, जिससे और ज्यादा सुविधा हो सके इलाज करने के। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अगले प्रश्न के लिए विशाल सूर्यकांत शर्मा जी अफ्रीका टीवी से अनुरोध करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहला तो ये कि जो एन वक्त पे क्या फैसले हो रहे हैं, जिस रूप में अचानक सब चीजें एकदम सामने आ रही हैं और पूरा देश इतना बड़ा है, अभी लॉकडाउन को लेकर भी अवेयरनेस लगातार चल रही है और ऐसे में मॉडिफाई लॉकडाउन और उसकी जानकारी भी अभी तुरंत आ रही है, चाहे केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर से, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था? दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें, कि 25 अप्रैल से रमजान है, 26 अप्रैल है वो अक्षय तृतीया है, ये दोनों महत्वपूर्ण तारीखें हैं। राजस्थान के संदर्भ में अक्षय तृतीया का अपना अलग महत्व है और रमजान का तो है ही, तो किस रूप में आप उसको अंडरलाइन करना चाहेंगे इन दोनों चीजों के और लॉकडाउन को? इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ये नया प्रश्न। देखिए, पहली बात तो ये कि अक्षय तृतीया आखा तीज जिसको कहते हैं उसका महत्व तो सब लोग जानते हैं और रमजान का अपना महत्व तो है, सबके जहन में है। हमने जब शुरुआत करी थी इस कोरोना को लड़ने के लिए, तब हमने पहला काम ये किया, राजस्थान के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, हम लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया, रिटायर्ड डॉक्टरों की एक्सपर्टाइज का अनुभव लिया, एक्टिविस्ट को बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया कि समाज के हर तबके को हमने हर वर्ग को इन्वॉल्व किया और उसका लाभ हमें मिल रहा है। देख रहे हैं राजस्थान में जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, राजनीतिक चर्चा अगर पूरे मुल्क में हो रही है तो उसके पीछे सभी सभी लोग समाज के अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने साथ दिया, तब जाके संभव हुआ और धर्म गुरुओं ने पूरा साथ दिया। हमने कहा आप इबादत है, पूजा पाठ सब अंदर अंदर करें, पुजारी लोग करें, पब्लिक के लिए आप आह्वान करें कि वो पब्लिक दर्शन अपने घर बैठ के करें, आजकल तो कई सुविधाएं हैं। और वही मैं समझता हूँ कि तरीका हमारे सामने आज भी है कि किस रूप में वो पूजा पाठ घर पे करें, अच्छे तरीके घर पे मनाएं और रमजान में ज़्यादा ही लोग इकट्ठे होने की परंपरा है वो इकट्ठे नहीं हो, ये धर्म गुरुओं की मैं समझता हूँ जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे पुनः सभी धर्म के लोगों को कि कोई त्यौहार आए, अभी भी जो त्यौहार गए थे आप देखा था जनता ने खुद ने सहयोग दिया, कोई मेले थे, धार्मिक आयोजन थे, तो कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। मुझे यकीन है कि जब जिंदगी दांव पे लगी हुई हो, जीवन खतरे में हो और बीमारी भी कोई मामूली नहीं हो, फैलने वाली हो, छूत की बीमारी हो, ये महामारी छूत की बीमारी से भयंकर बीमारी है, तो उस पर तो खुद को आगे आगे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद की दांव पे लगाऊँ, मेरे परिवार वाले दुखी हों, मेरे मोहल्ले वाले या समाज वाले सब तकलीफ पाए, वो क्यों पाए, तो उनको खुद को आगे आके फैसले करने पड़ेंगे, मेरा मानना है। और मुझे उम्मीद है कि लोग समझ भी गए हैं और उसी रूप में फैसले लोग करेंगे और उम्मीद है कि ये त्यौहार भी ढंग से निकल जाएंगे। थैंक यू सर। विशाल जी बहुत धन्यवाद। मैं अब दैनिक भास्कर से विनोद जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। सर नमस्ते। नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन प्रदेश में लागू हो रहा है, तो इसको लेकर सरकार ने क्या तैयारी की है और लोगों को डर है कि सीमित मात्रा में ही सही कुछ आवाजाही शुरू होगी तो संक्रमण की आशंका रहेगी, इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है? सरकार के इंतजाम जो अभी तक चल रहे हैं लॉकडाउन को मेंटेन करवाने के, वो बकायदे चलते जाएंगे और जो छूट दी गई है, अगर आप 15 तारीख का जो सर्कुलर निकला जो है, एडवाइजरी निकली है, वो देखेंगे आप, तो सीमित मात्रा में उनको छूट दी गई है व्यापार शुरू करने की, या उद्यमी है तो उद्योग शुरू करने की, पर सब शर्तों के साथ दी गई है। और भारत सरकार ने भी यही कहा है कि जो शर्तें मानेंगे उन्हीं का कंटिन्यू होगा, वरना विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों के जीवन में बात है कि संक्रमण इतना भयंकर है कि कोई को तोड़ना नहीं चाहेगा, पब्लिक का सहयोग अभी तक मिल रहा है,
मुझे उम्मीद है कल भी जो शुरुआत होगी तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कल सुबह से ही सब लोग निकलने लग जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर तो अभी तक जो तपस्या करी है घरों में बैठ के लोगों ने उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए पूरे समाज की जिम्मेवारी बनती है वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, जो जो लॉकडाउन में जो प्रोटोकॉल है उसको निभाएं और ये मौका नहीं आने दें पुलिस को कार्रवाई करनी पड़े। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में ये माहौल कल बनेगा और गांव के अंदर आराम से कुछ काम शुरू होंगे, कुछ छोटे मोटे उद्यमी अपना काम करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा जो श्रमिक रहेंगे प्रीमाइशन में तो उनको अलाउ किया जाएगा, उसके अपने मायने होते हैं। और बाहर से लाएंगे एक बार तो एक बार लेके आ जाओ, फिर उनको ही रखना पड़ेगा 3 तारीख तक। ये प्रोटोकॉल मैं समझता हूँ सबके जहन में आ गया है और हम लोग उसको मेंटेन करवा देंगे, मुझे यकीन है। और बाकी जो एरिया है कर्फ्यू गेस्ट हॉटस्पॉट उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये स्पष्ट कह दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब समीर शर्मा जी राजस्थान पत्रिका से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्कार। कोरोना संकट और लॉकडाउन से केंद्र सरकार ने माना है कि 10 करोड़ लोग नए गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, तो सर क्या राजस्थान सरकार ने भी इस तरीके का कोई आकलन किया हुआ है कि कितने बेरोजगार हो जाएंगे और कितने गरीबी रेखा के नीचे नए आ जाएंगे लोग? देखिए ये तो क्या है कि सभी अभी तो एस्टिमेट होते हैं, सारे एस्टिमेट होते हैं और एस्टिमेट हमने जो कमेटी बनाई है चेयरमैन मायराम की अध्यक्षता में, जो खुद फाइनेंशियली एक्सपर्ट है, वित्त सचिव रहे हैं, वो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं देश के या एक्सपर्ट हैं उन सबसे सलाह ले रहे हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार के आंकड़े आए हैं। हमने आपने देखा होगा कि प्रारंभ से जिस प्रकार की व्यवस्था की हमने उन लोगों के लिए जो पहले से बीपीएल के लोग हैं, चाहे मजदूर थे बीपीएल या अंत्योदय योजना वाले, उन सबको जो हमने पैकेज दिया, निसहाय लोग जो असहाय लोग हैं उनको पैकेज 2,500 रुपये दिया है हम लोगों ने उनको, तो एक कंफर्टेबल टाइम निकल गया उनका भी। इस प्रकार से बाकी छूट हमने कुछ देने का प्रयास किया है क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति केंद्र पैकेज घोषित करे जल्दी, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं बार बार। पैकेज काम आएगा केंद्र सरकार के राज्यों के अंदर, उसके आधार पर हम लोग और क्या व्यवस्था कर सकते हैं छोटे व्यापारी की या छोटे जो काम धंधे करते हैं अपने खुद के, जिससे कि वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आए। जो बाहर निकल गए हैं सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि जो बीपीएल थे ईपीएल बन गए थे वो वापस बीपीएल में नहीं आए, पर क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा है इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से, इसलिए तो समय बताएगा कि केंद्र सरकार क्या स्टेप उठाती है, वो निर्भर उसके ऊपर करेगा। राजस्थान सरकार कोई कमी नहीं रखेगी योजनाएं लाने में, वित्तीय प्रबंधन करने में, जिससे कि हमारे यहाँ पर ईपीएल के लोग आगे बढ़े पीछे नहीं जाए। थैंक यू सर। मैं अब आखिरी प्रश्न के लिए श्रुति जैन द वायर से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। सर मेरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि केंद्र की गाइडलाइंस मार्च में ही आ गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रोक्योरमेंट को बाहर रखा जाएगा लॉकडाउन के एग्जेम्पशन से, पर जो राजस्थान का पोर्टल है सहकारिता विभाग का क्रॉप प्रोक्योरमेंट पोर्टल वो अभी तक सस्पेंडेड है, आज तक उसकी सर्विसेज सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से जो मंडियां खुल रही हैं उसमें जो किसान खरीद रहे हैं वो एमएसपी की दरों से बहुत नीचे खरीद हो रही है उनकी, तो वो मैं जानना चाह रही थी क्यों नहीं हो रहा है। एंड दूसरा सवाल है कि अगेन होम सेक्रेटरी जी की गाइडलाइंस थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन से जो लेबोरेटरीज हैं जिनका कलेक्शन सेंटर से जो सैंपल कलेक्शन सेंटर से लेबोरेटरीज तक जाता है उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है राजस्थान में, जिसकी वजह से जैसलमेर बाड़मेर के जो किसान हैं जीरा खेती करने वाले वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना जीरा, तो वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कंपनीज उनका जीरा नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो मैं जानना चाह रही थी कि सेंटर की गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो हो रही है राजस्थान में।
देखिए, सेंट्रल की गाइडलाइन सभी मामलों में फॉलो होती है। ये जो 6 मार्च से कोटा संभाग में और 18 मार्च से अन्य संभागों में जो समर्थन मूल्य पर पंजीकरण शुरू किया था, पर क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन हुआ और उसके कारण से उस पंजीकरण को स्थगित करना पड़ा। करीब 2,71,000 किसानों ने पंजीयन करवाया भी है राजस्थान के अंदर, और कोटा में तो अब जो ये है 16 तारीख से ही सरसों की और चने की खरीद भी शुरू हो चुकी है, और एक मई से पूरे राज्य में सरसों चने की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा लेबोरेटरीज की बात आपने करी, वो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल से लेबोरेटरी शुरू हो रही है सब जगह, और कृषि की संबंधित सब तमाम गतिविधियाँ जो है उनकी अनुमति दे दी गई है। कल से जो प्रॉब्लम आई थी वो मैं समझता हूँ कि कल से जो हल होने शुरू हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब मैं समझता हूँ कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत स्मूथली यहाँ पर MSP के माध्यम से खरीदारी होगी, और मुझे उम्मीद है कि किसान लोग जो तकलीफ पा रहे हैं उनको जो हमने कुछ छूट दी है, कुछ तो हमने लाइसेंस दिए लोगों को सीधा खरीद करने के लिए, उसका फ़ायदा मिलेगा उनको। कुछ हमने GSS और KVSS का उनको लाइसेंस दे दिया खरीदारी करने का, सरकारी खरीद का, उसका फ़ायदा मिलेगा। सब मिला करके मैं समझता हूँ कि अब जो समस्या है वो हल हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। श्रुति जी धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने कारगर्भित प्रश्नों के लिए। थैंक यू वेरी मच।